भाभी कुछ समझा नहीं क्या कह रही हैं। तुम्हारी और फातिमा की बात कर रही थी। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, सब मालूम है मुझे। मैं आपको बताने ही वाला था दरअसल, मतलब कि अच्छा अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम सीरियस तो हो ना, ताकि फिर मामी मामू से बात करें। गुड। क्या बात कर रही? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। तुम क्या कर रही हो किचन में? दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुनो छोड़ो ये, थोड़ी देर रेस्ट करो उसके बाद खाना बना लेना। अरे नहीं, सब कुछ हो गया। मशीन लगाने को कहा था वो भी लगा ली, और हाँ तायबू ने कहा था कि पूरे घर की झाड़ पोछ करनी है वो भी कर ली। नाश्ते के बाद सारे काम कर लिए मैंने, बस दोपहर का खाना बनाना रह गया, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो पता नहीं बाबा को क्या हो गया, सारे काम एक ही दिन में करवाएंगे क्या? कोई बात नहीं, अब तो हो गया सारा। कितनी मुतमईन नहीं है, सारे घर का काम भी कर लिया और परेशान भी नहीं। इसकी जगह अगर हानिया होती तो परेशानी में मुझे भी हलकान कर देती। आज़र, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो, सारा दिन मशीन की तरह काम करती हो लेकिन शिकायत नहीं करती। हालांकि तुम्हें अपने लिए भी तो वक्त चाहिए होगा ना। चलो एक काम करते हैं, आज शाम को मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाने के लिए लेके जाता हूं। आज नहीं। क्यों भाई? वो क्या है ना, नूरी को देखने के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं। अम्मी ने आपको और तायबू को भी बुलाया है घर। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, हमें जरूर जाना चाहिए। ठीक है शाम में वहां पर चलेंगे, अभी मैं अपने दोस्तों से मिला हूँ, बहुत अरसा हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ ठीक है। ख्याल रखना अपना, जल्दी वापस आना। हाँ।